अस्सलाम वालेकुम, रफी के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। लोग उपवास में भी खाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वड़ा है, खिचड़ी है, पायसम है, तो खिचड़ी का फरमाइश किया है हमारी बहन सहर फातिमा ने, जो पाकिस्तान में रहती हैं। तो इंशाल्लाह आज दिखाते हैं कि खिचड़ी बनाएंगे कैसे। तो साबूदाना ले लिया हमने, साबूदाना को हमने भिगा दिया था, करीब करीब एक घंटा भीगा हुआ था। उसके बाद पानी हमने इसका छान दिया है। और इधर सींग दाना हमने लिया है, भून के उसको क्रश कर लिया है, ग्रीन पीस लिया है और कच्चा आलू लिया है, ठीक है। थोड़ा सा अदरक लिया है, ऑप्शनल है, आप अदरक डालो, बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं। और हरी मिर्च हमने ले लिया है, सब बारीक कटिंग कर लिया है। थोड़ा सा करी पत्ता है, शक्कर है और नमक है। एक पैन रख दिया हमने, उसमें डाल देंगे घी। तेल में भी बना सकते हैं आप, लेकिन हम बना रहे हैं घी में। तो घी जैसे हमारा पिघल जाता है, सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और मिर्ची, और ये आ गया करी पत्ता। थोड़ा सा इसको हम इसका पानी खाली मार देंगे बस। उसके बाद हम आलू डाल देंगे। आलू है हमारा कच्चा, तो हिसाब से हमें आलू को पकाना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ही पानी डाल देंगे, ठीक है। और एक दो तीन मिनट के लिए हम खाली ढक्कन मार देंगे और ये अच्छी तरह से आलू हमारा पक जाएगा। हमने कच्चा आलू डाला है, आप बॉयल आलू भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम बचाना है, फटाफट बनाना है, लेकिन कच्चा आलू जब डालते हैं और वो एकदम भसभसा जब हो जाता है ना, तो उसका जो टेस्ट है वो लाजवाब होता है। इस वजह से हमने कच्चे आलू डाला है, बाकी डाल सकते हैं आप बॉयल आलू। तो अब खोल देते हैं, तो आलू हमारा कलर दिख रहा है बढ़िया, इसका मतलब हो गया होगा। जो थोड़ा बहुत कसर होगा वो फिर हो जाएगा। अब डाल देंगे साबूदाना। हम ग्रीन पीस डाल रहे हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब आ गया सींग दाना, स्वाद अनुसार नमक, और ये आ गया शक्कर। जितना हमने नमक डाला है उतना ही शक्कर भी डाल दिया है, क्योंकि मिठास जब थोड़ा सा रहेगा तो साबूदाना के अंदर मजा आएगा। थोड़ा सा और पके साबूदाना हमारा, उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा धनिया मार देंगे और मार देंगे ढक्कन और स्लो करके छोड़ देंगे इसको हम करीब 10 मिनट के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं, खिचड़ी हमारा रेडी है। अब हम सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया मार देते हैं, और कोई भी चीज चाहते हैं रेसिपी का नाम लिखिए, बाय रफीक लिखिए, हमारे चैनल पे आप देख लेंगे। चटनी से लेके और मिठाई तक, स्टार्टर, बिरयानी, नान, रोटी, पराठा, कुलचा, ए टू जेड स्टार्टर बहुत सारे मिलेंगे।